हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हम लोग SST क्लास में, सामाजिक अध्ययन की क्लास में 40 प्रश्न कर लिए थे। 40 प्रश्न कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे, भैया कि क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। तो आज कोशिश करेंगे, जूम इतना कर देंगे ना, क्वेश्चन का आंसर दिखे ना। अगर भाई देवे देख भी जाता है तो आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप अच्छे मित्र हैं, अच्छे साथी हैं, अच्छे शिक्षार्थी हैं, अच्छे आप लोग टीचर बनेंगे, तो थोड़ा सा आप इग्नोर किया करिए अगर दिख जाता है तो। वैसे हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपको दिखा के किया जाए, है ना मित्रों। चलिए, जितना ज़्यादा ईमानदारी जताएंगे उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। बिना देर करते हुए चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो मित्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वह जुड़ सकें। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके पास तक नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुँचा हो तो किसी हाल में पहुँच जाए। और जिसके पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वो बेल आइकन को जरूर से ज़रूर क्लिक करेंगे। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाएंगे, जिससे कि सारे उनके पास नोटिफिकेशन जाया करेगी, है ना। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। भैया कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? हम लोग का हो गया था 40 तक। 40 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जिससे कि जो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कम से कम वो परेशान नहीं होंगे। सर आंसर दिख रहा है, चलिए इसका आंसर बता देंगे। अब तो आंसर नहीं दिख रहा है, बताइए फटाफट आप लोग। 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप बताएंगे, भैया क्या हो जाने वाला है? अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है। जो अबीर होता है, गुलाल होता है, उसमें जो हल्का पदार्थ का हल्का रंग उड़ता है वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए। तो क्या बोलते हैं उसे? क्या गेरू बोलते हैं? गेरू कलर, गेरू उसमें होता है, या चांदी? चांदी तो पार्टी है भैया, चांदी नहीं होता है, ना ही उसका उसमें बर्क होता है, ना उसमें गेरू होता है। गेरू तो एक दोस्तों जो दीवार वगैरह पर दीपावली के समय लिखा जाता है, शुभ माना जाता है, वो गेरू होता है। गेरू एक तरह से आपका दुधिया होता है, दुधिया का रूप होता है। तो इसमें दोस्तों बता देंगे आप, अभ्रक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक, अभ्रक जो होगा वह आपका गुलाल में उड़ता हुआ जो हल्का रंग होता है, पदार्थ होता है रंगीन, वही होता है अभ्रक। अभ्रक ही होता है दोस्तों, अभ्रक। जो थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें अभ्रक जो बनता है दोस्तों ना, उसमें कलिए शीशा का ही, मुख्यतः शीशा का ही प्रकार होता है। अगर थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मोटा होता है ना, अगर कस के रगड़ देंगे किसी को चंदन लगाते समय ना, वो कट जाएगा, छिल जाता है, वहाँ पर रेड रेड हो जाता है ना। तो याद रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आपने इसको कर भी लिया है। देखिए भैया, आप लोग को हम जहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आप लोग को न दिखे, लेकिन अगर दिख जाता है तो माफ़ करिएगा आंसर, ठीक है। हम जहाँ तक उम्मीद करेंगे कि न दिखे, देखिए दिख नहीं रहा अभी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। कर्नाटक के कैगा में स्थित है, कैगा में क्या स्थित है? विद्युत उत्पादन केंद्र है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, तो एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र है। अरे भैया कहाँ से, कैगा में क्या होगा? कैगा में आप, हमने कल बताया था आपको, क्या अल्मोनियम वाला होगा? नहीं ना, रेलवे होगा? नहीं, ये दोनों को काटिए। विद्युत उत्पादन केंद्र होगा, विद्युत उत्पादन केंद्र होगा, नहीं ना, तो इसको भी काटिए ना। फिर कहाँ सोच रहे हैं? सोचिए मत भैया, सोचने से काम, अपना अपना टाइम मत बर्बाद करिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, जिसका बी आ रहा है वह खुश हो जाए, उसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी किसके समय हुई थी, पहले बता दीजिए। किसके समय हुआ था भैया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था। ससुरा बहुत बदमाश था, वही हड़पने तीर आया था, है ना, बहुत बदमाश था वो, है ना। याद रखिएगा भैया, हड़प लिया था। सतारा हो गया आपका, झांसी हो गया 1953 में हो गया भैया, झांसी हो गया, सतारा 1948-49 में हो गया, 47 में हो गया, है ना। बहुत सारे जगहों को हड़पने लगा था, लेकिन उसके समय बहुत सारे काम भी हुए थे। ट्रेन सुविधा आई थी आपकी, जो आपका 33 किलोमीटर ट्रेन चला था आपका, कहाँ से? थाने से, मुंबई से थाने चला था, ये बात आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसके समय जो आपका यह टेलीफोन का लाइन था, यह भी बिछा था, तार यह भी बिछा के बिछाया गया था। और इसी के समय डाक प्रणाली भी स्टार्ट हुई थी, तो बता देंगे कब स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था। 43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर, 1866 भैया, 1866, देखिए 1866 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। याद रखेंगे, डाक प्रणाली का प्रारंभ हुई थी 1866 में। लेकिन अगर कल ये जो मेन इसका मुद्दा था ना, वो लॉर्ड आपका विलियम बैंड, लॉर्ड डलहौजी ही था भैया, है ना, क्योंकि इसी के समय सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। बिजली वगैरह का तार हो गया आपका, जो आपका टेलीफोन के वायर हो गए, ये सब बिछना इसी के समय स्टार्ट हुए थे। भले बाद में थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, तो बहुत सारे बाद में स्टार्ट हुए, तो डाक जो स्टार्ट हुआ था 1866, आप याद रखेंगे। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, जिससे कि आप लोग पिछला तो पढ़े ही होंगे। अब WWW का फुल फॉर्म बता दीजिए, कौन नहीं बता पाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बताइए, राइट आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि, अब देखिए कन्नौज का युद्ध आप याद करेंगे, आपको ट्रिक हमने बताया, DCKS, DCKS, ये चारों के चारों युद्ध,
इस चारों में तो तीन युद्ध होता है हुमायूं और प्लस शेरशाह सूरी के साथ होता है। डीसी देवरा का युद्ध, चौसा का, ठीक है, चौसा का, इसके बाद कन्नौज का, देवरा, चौसा, कन्नौज, 1539 1539 और 1540 1540 भैया 1540 में कन्नौज का, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, सरहिंद का जो लड़ाई होता है वो 1555 में होता है। 1555 में जो वही हुमायूं लौट के आता है एक साल के लिए, तो जो शेरशाह के उत्तराधिकारी रहते हैं ना उनसे, उनके साथ लड़ाई करता है और उनको गद्दी से उतार के अपने शासन करता है। एक साल बाद सीढ़ी से गिर के टें हो जाते हैं वो, है ना भैया, टपक जाते हैं फिर उसके बाद, अपने ही सीढ़ी, अपने ही लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के दिल्ली में मरा था हुमायूं, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित क्यों हुआ, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। क्या शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी क्या, यह तो कोई मुद्दा ही नहीं है शक्तिशाली का, इसमें सार हो सकता है उसकी उसकी सेना शक्तिशाली भी थी, तो उसके, क्योंकि मुगलों की सेना बहुत ही खुरापाती थी भैया, है ना, यह तो गलत हो गया, काट दीजिए इसे। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, ऐसा भी नहीं है, हुमायूं के अनुसार ही चलती थी, अगर हुमायूं के अनुसार नहीं चलेगी तो हुमायूं खुद उसे काट कर फेंक देता था, है ना, याद रखेंगे। हुमायूं के युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, यह भी रॉन्ग है, क्योंकि हुमायूं इतना बलवान था भैया ना, मुगल इतने अच्छे खासे थे, युद्ध लड़ने की युद्ध विद्या उनके अंदर थी, तो उसको कहा नहीं जा सकता, यह भी गलत हो जाएगा। बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, यह दोस्तों यह कारण है, क्योंकि जो उसका तोपखाना था ना वह बिल्कुल ख़राब हो जाता है बारिश हो जाने की वजह से, इस वजह से इसके हारने का मेन मकसद यही रहता है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित इसी कारण हुआ था, है ना, याद रखेंगे। फिर उसके बाद वह दौड़ते हुए जाता है, नदी में छलांग लगा लेता है, फिर वहाँ से एक मल्लाह को पकड़ता है जिसको एक दिन के लिए राजा बनाता है, वो मल्लाह जो है कि चमड़े का सिक्का चला देता है, हाँ, एक दिन के गद्दी पर बैठ गए, हमने आपको बताया है, आप डिटेल के क्लास करिए। रैंच कहते हैं, रैंच, रेंच बताइए किसे कहते हैं, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेंच भैया किसे कहते हैं, पशुओं के बाड़े को रेंच कहते हैं, साफ साफ, क्योंकि आप लोग को शायद ना आ रहा हो या, तो हमने डायरेक्ट बता दिया पशुओं के बाड़े को रेंच कहते हैं भैया। चलिए चलिए आगे चलते हैं, जंगल के पुंज नहीं, मनुष्य के घर नहीं, पर्वतों की श्रेणी नहीं, ठीक है भैया, चलिए 47 का राइट आंसर बता देंगे, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये तो सबको पता है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत करते हैं, अब देखिए वित्त विधेयक जो होता है भैया, वो वित्त विधेयक होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है ना, है ना, धन विधेयक को ही वित्त विधेयक स्टार्टिंग इस हुई होता है लोकसभा से, और लोकसभा में ही केवल ये प्रस्तुत होता है, याद रखेंगे। धन विधेयक जो होता है वो पहले राष्ट्रपति की साइन होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, फिर जाता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, जैसे इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वह वहाँ से पारित करते हैं, पारित करने के बाद वह जो है यह सिद्ध करते हैं, जो धन विधेयक है, जो मतलब वित्त विधेयक है ना, वो हमारा धन विधेयक है, है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वित्त यानी कि जो बजट है हमारी, बजट का चर्चा हमारे संविधान में नहीं हुआ है, याद रखेंगे, वित्त की बात हुई है अनुच्छेद नंबर 112 में, हमने आपको डिटेल में बताया है, एक वीडियो और लाएंगे दोस्तों जिसमें कि मैक्सिमम जो अनुच्छेद छूटे हुए हैं वो आ जाएंगे आपके, बीच में ही लाएंगे, आप लोग देखते रहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है 47 का भैया, 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा मित्रों, है ना, ए हो जाएगा। चलिए कुछ मित्र अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपकी संख्या, अपनी संख्या बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। नेक्स्ट बताइएगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है भैया, कौन नहीं जानता है फतेहपुर सिकरी, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, बताइए फतेहपुर सिकरी होगा कि नहीं होगा, होगा 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 ना, होगा। चलिए चलिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, चलिए मेरे मित्रों आगे चलते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब किसका पूछ रहा है, पता है आपको किसका पूछ रहा है, वर्ल्ड 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 संगठन की बात इसमें कर रहा है, वर्ल्ड संगठन में मौसम, विश्व मौसम संगठन की बात कर रहा है आपका, है ना, बताइए इसमें किसका है, WMO की बात कर रहा है, WMO, बताइए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है। अब देखिए विश्व मौसम संगठन की जब बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जिनेवा हो जाएगा, जैसे कि अगर बात करें WHO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, और बहुत सारे जो आपके जैसे कि बात करें दोस्तों FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रोम में है भैया, है ना, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके जिनेवा में ही पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है जिनेवा दोस्तों, याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड जो आपकी यूरोप की कंट्री है, यानी कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में बता देंगे मित्रों, है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं, रूस लंदन ये सब बेकार है, लंदन में किसका मुख्यालय कौन बता देगा, लंदन में किसका मुख्यालय बताइए। तो अब यहाँ बताएंगे धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, एक आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पता है, सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखिए वहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम में, अगर बनेगा तो आप करके लाओगे, मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो दोनों में से दोनों रहेगा, मतलब एक 15 मिनट का, 15 मिनट के वीडियो रहेंगे दोनों अलग अलग, तो आप बोलेंगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, है ना, पूरी कहानी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे अपलोड किया जाएगा, यहाँ पे नहीं, है ना, दूसरे चैनल पे। धुरी राष्ट्रों की नेतृत्व किसने किया, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, कौन किया धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व, कौन बता देगा बताइए, तो कौन बता देगा धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया,
कौन किया धुरी राष्ट्र का नेतृत्व? शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, शाबाश मेरे मित्रों। देखिए धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जो धुरी राष्ट्र के मित्रों ना, पहले मित्र राष्ट्र की बात कर लेते हैं। मित्र राष्ट्र में जैसे कि आपका आ गया अमेरिका हो गया, है ना, अमेरिका हो गया आपका, यूरोप की जैसे चाइना वगैरह मिला के, चाइना तो वैसे खैर नहीं था लेकिन चाइना के सहयोगी जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया हो गया, और जापान हो, जापान नहीं, जापान तो आपका धुरी राष्ट्र में आ गया था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था, है ना, यह सब थे। और धुरी राष्ट्र में मित्रों, धुरी राष्ट्र में देखा जाए तो धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व करता था ना, वह हमारा जर्मनी था। जर्मनी का वही मुखिया, क्या नाम है उसका भैया, क्या नाम है इस जर्मनी का जो हेड था उसका, क्या नाम है, जो तानाशाह था जर्मनी का, वही था। और इसी वजह से हंगरी से और ऑस्ट्रिया, हंगरी ऑस्ट्रिया में विवाद के कारण ही हमारा हुआ था विश्वयुद्ध। विश्वयुद्ध जो पहला था दोस्तों 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 के आसपास में चला था, और जो दूसरा विश्वयुद्ध था दोस्तों 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1939 से स्टार्ट हुआ था 1944 तक चला था, 1943-44 तक चला था दोस्तों यह, क्योंकि लास्ट में आपको पता है यह विश्वयुद्ध का जो जब रुकता है तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध का समापन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। आज भी वहाँ के लोग भुगत रहे हैं रेडिएशन से, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। देखिए आंसर नहीं दिख रहा है, आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं आप नहीं मानते हैं ना, क्यों मानेंगे, फायदा थोड़ा है उसमें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा मित्रों, ए 66-67 डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे दोस्तों वो विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर विश्व डॉक्टर आपके जो स्वामी विश्वनाथन जी हैं वह भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसी समय 1966-67 के आसपास में जब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौता में अयूब खान के साथ, है ना, उनकी मृत्यु हुई थी। एक कहानी आपको बताते हैं, अयूब खान बहुत लंबे थे और जो ताशकंद समझौता होता है दोस्तों वह हमारे लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद के रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो वहाँ के राज कर लीजिए कि जो कलेजे के मीडिएटर होते हैं वो बोलते हैं भी लाल बहादुर शास्त्री कैसे उनको फेस करेंगे, तो अयूब खान बहुत लंबा रहता है, है ना, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे रहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का यह कहना रहता है कि वह हमेशा हमें नीचे झुककर हमसे बात करेगा और हमेशा सर उठा के बात करेंगे क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो इस बात को उन्होंने बोला था, बहुत रिस्पेक्टिव तरीके से उनको लेना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर 96 से लेकर 96-7 तक, मतलब कि इन्हीं दोनों ईयर को मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1966 और 1967 दिया रहता है तो हमेशा आप 1966 को प्रीफेयर करेंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन देश दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन देश आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है, जिसपे 4 प्रमुख आइलैंड हैं, जिसका कैपिटल टोक्यो है, है ना, याद रखेंगे, जिसमें जिसका रीयूनियन विवाद चलता है, है ना, और बहुत सारे विवाद हैं, तो याद रखेंगे जो हमारा प्रशांत महासागर में है दोस्तों, क्या है उसका नाम। अब आप लोग हिंट कर दिए, अब बता दिए होंगे मित्रों, हमारे सारे मित्र अगर जो थोड़ा सा डेडिकेट होकर पढ़ाई किए होंगे वो बता देंगे, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन देश जापान है। जापान पहले बहुत ताकतवर हुआ करता था लेकिन इस समय जापान अमेरिका के इशारे पर नाचता है, ये चीज़ याद रखेंगे। जापान की जो भैया वहाँ की जापान की जो GDP है ना वो वर्ल्ड में कह लीजिए चौथे नंबर पर आती है दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है, और इसके बाद ही भारत पाँचवें नंबर पर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए जापान बहुत ही तरक्की वाला देश है, यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्सु, क्यूसू, सिकोकू क्यूसू, ये क्रम से आइलैंड है यहाँ के, है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं, तो कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जाहिर सी बात है किससे प्राप्त होगा, फल से, जड़ से, तने से, पत्तों से। 53 का राइट आंसर बता देंगे भैया, फल से प्राप्त होगा, फ्रूट से प्राप्त होता है क्या हमारा रेशा, कपास का रेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था वही ससुरा शेर सहवा जो मारा था हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी, यही तो बनाया था कोलकाता से लेकर कराची तक। पता है कराची पहले हुआ करता था पाकिस्तान का कैपिटल, है ना, इस समय बदल गया है, तो याद रखेंगे कोलकाता से लेकर कराची तक NH1 NH2 यही बनवाया था, लेकिन इस समय नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 का पूरा नाम ही चेंज
हो गया है, हमने आपको बताया है, देख सकते हैं आप पूरा नेशनल हाईवे NH1 मतलब कि नेशनल हाईवे के बारे में पूरा एक वीडियो ही पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। अगर मुगल काल के चित्रकला की उत्कर्ष की बात करता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जहांगीर के समय हुआ था उत्कर्ष बोले, या फिर दोस्तों अपने चरमों सीमा पे था, है ना, चरमों सीमा पे भी जहांगीर के समय आपका चित्रकला माना जाता है, याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वास्तुकला किसके समय बिल्कुल अपने चरमों सीमा पे था, तो बताएंगे जहांगीर के समय था। जहांगीर के समय जो आपका वास्तुकला था, मतलब कि आपका कॉलेज मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाना, तो इस समय बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा आपके महल वगैरह बने थे, तो उस समय माना जाता है शाहजहाँ के काल को माना जाता है वास्तुकला का काल, दोस्तों याद रखेंगे, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला मित्रों, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, और क्या? तीनों का नाम बता दीजिए आप, तीनों का नाम बता दीजिए। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच लास्ट में पता है, लास्ट में जो तीसरी लड़ाई होती है, तीसरी जब लड़ाई होती है तो उस समय होता है एक डेवरा की लड़ाई होती है 1760 में। इसी समय तो इनका बोरिया बिस्टर मित्र जाता है, क्योंकि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में यूरोप में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उसी का हमको कारण या फिर उसका कलेजे इफेक्ट देखने को मिल जाता है भारत में, और 1760 में इनका पूरा बोरिया बिस्तर सिमट जाता है। पूरा बोरिया बिस्तर सिमट कर अंग्रेज क्या करते हैं, भैया तुम ले जाओ अपने घर जाओ, और इनको भेज दिया जाता है, कैसे, विदा कर दिया जाता है भैया, साधारण तरीके से बिल्कुल इनको विदा कर दिया जाता है, जाइए। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कितनी लड़ाई लड़ी गई थी, तो बता देंगे भैया 3 लड़ी गई थी, ठीक है ना, आप नाम बता देंगे 1742 से स्टार्ट था। चलिए बता दीजिए सबका नाम बता दीजिए, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन से थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक जिसको माना जाता है दोस्तों, वह केवल और केवल इसको माना जाता है जो कि क्लाइव रहता है, क्लाइव और एक आपका रहता है भैया, एक और होता है ना, डुप्ले अल्मीडा एयरपोर्ट नहीं दोस्तों, जो क्लाइव होता है यही अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक होता है। अगर 1757 और 1764 के बक्सर की युद्ध की बात करें तो 1757 में इनकी जो हस्ती होती है वो मजबूत तरीके से पकड़ में आ जाता है, भारत का नस्ल ये पकड़ लेते हैं, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई यह तय कर देती है कि अब पूरे तरीके से भारत में जो शासन होगा, राजनीतिक शासन होगा, चाहे वह आपका कॉलेज की अर्थव्यवस्था का रूप हो, अर्थव्यवस्था के रूप में शासन हो, तो सारा का सारा जो प्रारूप था वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। तो आप याद रखेंगे भारत में जो अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होता है बक्सर के युद्ध के बाद होता है, वैसे कहा जाता है जो क्लाइव होता है दोस्तों वह स्टार्ट करता है, लेकिन याद रखेंगे जो हमारा जो दूसरी लड़ाई होती है बक्सर का लड़ाई होता है, उस समय क्लाइव उस समय कलेजे की नेतृत्व करता था अंग्रेजों के पक्ष से। लेकिन अगर बात करें 1757 की प्लासी की लड़ाई की नेतृत्व कौन करता था, तो आप बता देंगे कौन करता था, इसका आंसर सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, कमेंट में सारे बच्चे करेंगे, बताइए, लास्ट में हम बता देंगे आपको, चलिए लास्ट में हम प्रॉमिस करते हैं बता देंगे। बताइएगा दोस्तों भारत ने अपनी मंत्रिमंडली प्रणाली किस देश से ली है? तो भारत अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली जाहिर सी बात है भैया ब्रिटेन से ही लेगी ना, क्योंकि ब्रिटेन ही शासन करता था, तो ब्रिटेन से ही लेगा ना, जितनी भी संसदीय प्रणाली बोले या फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली बोले तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। चीन से कुछ नहीं, रूस से क्या लिया गया था बता देंगे, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। लेकिन अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो अमेरिका से लिया गया था दोस्तों। राष्ट्रपति शासन की अमेरिका से लिया गया था। DPSP मतलब कि आपका, हम आपको इसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे, अभी प्रॉमिस करते हैं आपसे 2 वीडियो आपके पास हम देंगे, एक जितने संशोधन हुए थे वह लाएंगे, और एक पूरे जितने अनुच्छेद बचे हैं वह ला देंगे, और एक और ला देंगे जितने भी आपके जितनी प्रणाली है किस देश से लिया गया है, 3 वीडियो ला देंगे आपके एग्जाम तक, है ना। चलिए आप लोग चिंता ना करिए। राज्य सभा का सभापति होता है, तो जाहिर सी बात है भैया हमारे 63 में यह साफ साफ लिखा गया है, 63 नहीं 64 में लिखा गया है साफ साफ, 63 में तो यह लिखा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में यह साफ साफ लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति जो होगा, भारत का उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना, याद रखेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देंगे आप भैया। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, कौन जोड़ा गलत है निम्न में बता दीजिए। सहारा मरुस्थल तो अफ्रीका में ही पाया जाता है भैया, कौन गलत कर सकता है इसे। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है बताइए, थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है बताएंगे, कौन बताएगा। हाँ मित्रों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, क्या ये थार मरुस्थल तो हमारे भारत में है ना, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। सोनोरम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है।
गिब्सन गिब्सन एक मरुस्थल है भैया, वो भी कहाँ पर है, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही है, याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, यार इसको क्या पूछा जाए, हमारे बच्चे उड़ा दो भैया। रेगुलेटिंग एक्ट अगर पूछ लेना, पिट्स इंडिया एक्ट पूछ दे, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उड़ा दीजिए, देखते ही उड़ाइए। ये चार्टर एक्ट है 1813 वाला, 1813 का चार्टर एक्ट है, आपको पता होना चाहिए। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था, है ना, याद रखेंगे। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप यह बताइए कौन किया था, हम बताते हैं कब हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। अरे यार अभी तो बताया हमने इसको, अरे मित्र क्यों गलती करना है, देखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 63 का लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश मेरे शेरों, एक बार आप हचक कर शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं थोड़ी सी प्रसन्नता के कगार पे आ सकें, और आपको आपसे थोड़ी सी और इंटरेक्ट, अच्छी खासी इंटरेक्ट हो सके। दोस्तों इसको बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो 64 का राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, डी हो जाने वाला है, डी, देवगिरी, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, 65 का राइट आंसर हो जाने वाला है मित्रों, कहाँ का, फ्रांस का नहीं, इटली का नहीं, रूस का नहीं भैया, जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स, है ना, याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, अभी तो हमने बताया आपको, प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह 1918 में हुई थी, तो 1918 इसका राइट आंसर लगा दीजिए भैया, 66 का डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष कम नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमने तो बताया आपको ना, 25 साल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन की बात कर रहा है तो बता देंगे भैया राज्यसभा, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसमें हर दो साल पे 1/3 सदस्य इस्तीफा देते हैं और 1/3 सदस्य चुने भी जाते हैं। इस समय 245 वहाँ के उसमें 245 सदस्य हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, सारी बातें बताई गई है। राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है, सदन का अनुच्छेद है 79 है, अगर राज्यसभा की बात करें तो 81, लोकसभा की बात करें तो 80, याद रखेंगे भैया, राज्यसभा 81 में, लोकसभा 80 में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, गलत हो गया क्या, बताइए गलत हो गया क्या, 81 में क्या है, 81 में क्या है भैया, 81 में क्या है, लोकसभा की राज्यसभा है, 80 में क्या है, 80 में लोकसभा की राज्यसभा है, देखिए गलत ना होने पाए, 80 और 79 और 81 ये तीनों क्लियर होना चाहिए, 79 में जो संसद है हमारा, लेकिन 80 की अगर बात करेंगे दोस्तों, 80 में हमारा क्या है, 80 में हमारा क्या है भैया, क्या है, राज्यसभा है 80 में दोस्तों, याद रखेंगे, राज्यसभा है, लोकसभा हमारा जाता है 81 में, है ना, लोकसभा 81 में, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए गलती हो गई थी, थोड़ा माफ करिएगा। नेक्स्ट 69 का आंसर बता देंगे, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं कितने अनुमोदकों की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे मित्र बता देंगे 20-20 नहीं, ये तो उपराष्ट्रपति के लिए होता है ना, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, मतलब 50 विधायक 50 MP 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 50 हमारे विधायक, याद रखेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरी क्वेश्चन करते हैं, है ना, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाए, आप आराम से देख लें इसे। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रोडवेज, रेलवे, वायु परिवहन, जल परिवहन, सबसे बड़ा, हमने आपको बताया था पढ़ाते वक्त, रोडवेज ही तो होगा, 70 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 70 का रोडवेज होगा कि रेलवे होगा, देखिए रेलवे होगा मित्र, रेलवे होगा, क्योंकि रेलवे जो है सबसे प्रतिष्ठित है, इसको याद रखेंगे, और राष्ट्रीयकृत है तो रेलवे, याद रखेंगे मित्रों, रेलवे इसका राइट आंसर होगा। तो आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरी वीडियो देख कर जाएँ, और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, और जिस बच्चों को थोड़ा सा भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो थ्योरी वाले सेशन में जाए, सारा क्वेश्चन देखे, अभी टाइम है, और जिन मित्रों को लगता है एग्जाम बहुत दूर है, इसको थोड़ा सा स्वप्न में अपने लाएँ, और रियल आँखों से खोल कर देखें, एग्जाम बहुत पास है, तो इस कदर पढ़ेंगे तो पढ़ाई मजबूती के साथ हो पाएगी, और आपको यहाँ से यूपी टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।